देश की बीजेपी की सरकार पूरे देश को बेचने पे तुली हुई है। और वहीं पे एक बुरी खबर ये है कि हम जातिवाद के नाम पे, धर्मवाद के नाम पे आपस में बंट रहे हैं। हरियाणा में कई जगह पे जातियों के आपस में झगड़े, आपस में मनमुटाव हो रहे हैं। अगर हम जातिवाद पे, धर्मवाद पे बंट गए तो बीजेपी इसका सीधा सीधा फायदा उठा लेगी और पूरा देश बर्बादी की गर्त में चला जाएगा। बीजेपी तो ये कराना चाहती है, आरएसएस तो ये कराना चाहती है, लेकिन हम तो समझें कि हमारे खाप प्रतिनिधि अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए इस भाईचारे को दोबारा से कायम करें, किसी तरह से भी कायम करें, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, कुछ भी करना पड़े। कोई झगड़ा है 3-4 गांवों में मेरे को पता चला है, वहां पे इसको दबाएं कि जहां पे कोई दलित समाज का भाई गलती करता है, वहां जो दलित समाज के लीडर हैं वो ही अपने भाई को जाके समझाएं। साथियों नमस्कार। साथियों, आज जहां हम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, देश की बीजेपी की सरकार पूरे देश को बेचने पे तुली हुई है, और वहीं पे एक बुरी खबर ये है कि हम जातिवाद के नाम पे, धर्मवाद के नाम पे आपस में बंट रहे हैं। हरियाणा में कई जगह पे जातियों के आपस में झगड़े, आपस में मनमुटाव हो रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ ये मुहिम जो है हरियाणा के अंदर कई गांवों में हमारे सुनने में आई है कि ऐसे झगड़े हो रहे हैं। मेरा सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर हम जातिवाद पे, धर्मवाद पे बंट गए तो बीजेपी इसका सीधा सीधा फायदा उठा लेगी और पूरा देश बर्बादी की गर्त में चला जाएगा। आज बीजेपी तो ये कराना चाहती है, आरएसएस तो ये कराना चाहती है, लेकिन हम तो समझें, हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है इन सभी चीजों को समझना और अपने देश को बचाना। नंबर एक तो मेरा सभी खाप के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जहां जहां भी, जिन जिन गांवों में भी ये मसले चल रहे हैं, वहां पे हमारे खाप प्रतिनिधि अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए इस भाईचारे को दोबारा से कायम करें, किसी तरह से भी कायम करें, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, कुछ भी करना पड़े। या सारे जो खाप प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने खापों का संभालें और इस मामले को जो है, जहां भी कोई झगड़ा है 3-4 गांवों में मेरे को पता चला है, वहां पे इसको दबाएं, इस मामले को निपटाएं। दूसरा, मैं एक और बेनती करूंगा कि जहां पे कोई दलित समाज का भाई गलती करता है, वहां जो दलित समाज के लीडर हैं वो ही अपने भाई को जाके समझाएं, और जहां कोई दूसरे समाज का गलती करता है, जो दूसरे समाज के लीडर हैं वो ही जाके उसको समझाएं, तो हमारा आपस में सौहार्द और आपसी भाईचारा बना रहेगा। खाप प्रतिनिधियों से भी मैं एक और बेनती करूंगा कि इसका एक और अच्छा तरीका ये भी हो सकता है कि जो हमारे दूसरी बरादरियों के भाई हैं, जो खाप की पंचायत आपकी होती है, कमेटी होती है, उसमें एक एक नुमाइंदा उनका भी ले लिया जाए, तो शायद ऐसे मसले दब जाएंगे, ऐसे मसले आगे के लिए नहीं उठेंगे। तो हमने भाईचारा बना के रखना है। मेरी पूरे सभी भाइयों के आगे मेरी प्रार्थना है, मेरी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि आज हमारे सामने पूरे देश का सवाल है, ना उसमें मजदूर बचेगा, ना उसमें किसान बचेगा, ना उसमें दलित बचेगा, ना उसमें कोई और बचेगा, ना उसमें शहर वाले बचेंगे। पूरे देश को बचाने का सवाल है और आज आप कृपया, चाहे किसी को सिर झुका के भी ये मामला रफा दफा करना पड़ जाए, मेरी सबसे प्रार्थना है कि इन मामलों को जल्दी निपटाएं। खाप प्रतिनिधि जो है वो इसमें अहम भूमिका निभाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।